नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुख करते हैं आज की अहम खबर का। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देश के लिए बड़ा विजन रखने वाला चेहरा बताया। इस बयान से साफ है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाहर की राजनीति में और धार लाना चाहती है और अरविंद केजरीवाल के नाम को लगातार उसी तरीके से पेश किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री ने वादा किया है कि सत्ता में आने पर 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। केरल में महिलाओं के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट का वादा किया गया है। तमिलनाडु में भी ऐसा ही वादा किया गया है। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग में होम आइसोलेशन और माइक्रो कंटेनमेंट जोन को कोरोना से लड़ाई का हथियार बताया है। वहीं असम में प्रियंका गांधी ने फ्री बिजली और पंजाब सरकार ने बसों में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा का वादा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस पर चुनाव लड़ रहे हैं, यह हमारे लिए अच्छी बात है और देश की राजनीति के लिए ये एक अच्छा संकेत है। आज अरविंद केजरीवाल ही ऐसे नेता हैं जिनके पास देश को लेकर विजन है। सिसोदिया ने आगे कहा कि आज दिल्ली की सरकार जो काम कर रही है यही एक मॉडल है जो डेवलपमेंट का मॉडल है। इसी मॉडल को बीजेपी लोगों के सामने रख कर वोट मांग रही है। आज दिल्ली विकास कार्यों के लिए नई प्रयोगशाला बन गई है। बीजेपी वाले दूसरे राज्यों में हमारे काम को फॉलो करते हैं लेकिन दिल्ली में हमारे कार्यों को रोकते हैं। पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह जी ने पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए चुनावी वादा किया है कि अगर वो सत्ता में आए तो वहाँ पे 200 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। केरल में भी भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है कि अगर वो वहाँ सत्ता में आए तो फ्री ट्रांसपोर्ट करेंगे महिलाओं के लिए। तमिलनाडु में भी चुनावी वादे इन्होंने किए हैं कि जो दिल्ली में काम हो रहे हैं उसी तरह के चुनावी वादे इन्होंने तमिलनाडु में किए हैं। परसों प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्रियों के साथ में कोरोना अपडेट पर रिव्यू कर रहे थे और वहाँ उन्होंने होम आइसोलेशन को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार बताया। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन ही कोरोना से लड़ने में, कोरोना के मैनेजमेंट में सबसे कारगर हथियार साबित हुआ है अभी तक। उन्होंने कहा कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स अब पूरे देश में बनाए जाने की ज़रूरत है। पिछले दिनों में देख रहा था कि असम में प्रचार करते हुए कांग्रेस की लीडर प्रियंका गांधी जी ने भी वहां फ्री बिजली का वादा किया है। पंजाब में मैंने देखा कि वहां के कांग्रेस के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने ऐलान कर दिया है कि महिलाओं के लिए सरकारी बसें फ्री होंगी दिल्ली की तर्ज पर। वो अलग बात है कि वहाँ की सड़कों पर सरकारी बसें हैं नहीं, पर उन्होंने वहाँ ऐलान कर दिया है। तो कुल मिला के मैं देख रहा हूँ कि खासतौर से भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को भी, कि देश में जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को लेके चुनाव लड़ रही है। वो आज भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, जहाँ भी चुनाव लड़ रहे हैं केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारे लिए अच्छी बात है, देश के लिए अच्छी बात है। हम इसे देश के राजनीति के लिए और देश के विकास के लिए एक अच्छा संकेत देखते हैं। ये इस बात को साबित करता है कि अरविंद केजरीवाल जी ही केवल और केवल एक ऐसे नेता हैं जिनके पास देश को लेके विजन है। आज अरविंद केजरीवाल जी ही ऐसे नेता हैं जिनके पास देश के आम आदमी की जरूरतों की समझ है, उसको क्या चाहिए, उसके जीवन में क्या तकलीफ है, उसका विकास कैसे हो सकता है, देश के आम आदमी का और देश का विकास कैसे हो सकता है, इसकी सबसे कारगर और सबसे सटीक योजनाएं केवल और केवल देश में अरविंद केजरीवाल जी के पास में हैं। देश को सही दिशा में ले जाने के लिए आज दिल्ली की जो सरकार काम कर रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार, वही लीडरशिप है जो डेवलपमेंट लीडरशिप का जो मॉडल केजरीवाल मॉडल से निकल के आ रहा है। आज ये देख के खुशी हो रही है कि बाकी पार्टियां उसको फॉलो करती दिख रही हैं और भारतीय जनता पार्टी जहां भी सत्ता में आने का सपना देख रही है उसी मॉडल को जनता के सामने रख रही है, उसी मॉडल के नाम पे वोट मांग रही है। आज दिल्ली में जो भी काम हो रहे हैं गवर्नेंस को लेकर,
दिल्ली के आम आदमी को लेकर, उनके बेस पे कह सकते हैं कि आज दिल्ली देश भर में विकास के नए नए प्रयोगों की एक प्रयोगशाला बन गई है। यहाँ से विकास के, डेवलपमेंट के नए नए प्रयोग हो रहे हैं, वो चाहे इकोनॉमी को लेकर प्रयोग हो रहे हों, लोगों के घर चलाने को लेकर प्रयोग हो रहे हों, स्कूल अस्पताल को लेकर प्रयोग हो रहे हों, देश के लिए नए नए प्रयोगों की एक प्रयोगशाला बन चुकी है। अब ये बीजेपी वाले दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने जाते हैं तो वहाँ तो केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को फॉलो करते हैं, लेकिन दिल्ली में जब वही काम अरविंद केजरीवाल जी करते हैं तो उसको रोकते हैं। प्रधानमंत्री जी भी होम आइसोलेशन की बात तो करते हैं कि होम आइसोलेशन ही कोरोना से लड़ने में, सारे मुख्यमंत्रियों को उन्होंने सलाह दी कि होम आइसोलेशन को बढ़ावा दीजिए, होम आइसोलेशन से ही आप कोरोना के इतने बढ़ते हुए केसेस से लड़ सकते हैं। लेकिन जब दिल्ली में, आपको याद होगा, होम आइसोलेशन की पहली बार शुरुआत दिल्ली में की गई थी और हमने लोगों को कहा था अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, इसकी शुरुआत दिल्ली में हुई थी, जिसमें सरकार ने ऑफिशियली अनाउंस करके ये कहा था दिल्ली के आम लोगों से कि अगर आपको कोरोना है, कोरोना पॉजिटिव आए हैं आप, लेकिन कोई सिम्टम्स नहीं है, तो आप आराम से घर पे बैठिए, सरकार की ओर से डॉक्टर आपसे रोज़ाना बात करेंगे, दिन में 2-3 बार आपका हालचाल पूछेंगे और कोई भी गड़बड़ होगी तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाने के लिए रेफ़र करेंगे। ये होम आइसोलेशन का कॉन्सेप्ट ही अरविंद केजरीवाल जी लेकर आए थे। पिछले साल जब कोरोना को लेकर लॉकडाउन हुआ था और पूरी दिल्ली में कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे, तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जिद पे अड़ी हुई थी कि नहीं, जहां भी कोरोना के केस पाए जाएं पूरे शहर को बंद कर दो, कस्बों को बंद कर दो। दिल्ली में उन्होंने मॉडल अपनाया कि पूरे इलाके को बंद कर दो, 8-8, 10-10 कॉलोनियाँ, 3-3, 4-4 किलोमीटर का एरिया बंद कर दो। तब भी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर इलाके को अगर आप सील करोगे, घेराबंदी करोगे, तो उसके अंदर रहने वाले आदमियों को आपस में एक दूसरे से कोरोना होने का खतरा है, तो ये बड़े बड़े कंटेनमेंट जोन मत बनाइए, उन्होंने विरोध किया था। फिर मिनी कंटेनमेंट जोन का केजरीवाल जी ने फॉर्मूला दिया, आज माइक्रो कंटेनमेंट जोन कि 2-3 घरों को भी अगर आप वहाँ कोरोना है तो वहाँ भी 2-3 घरों को भी आप सील कर दें, उसको कंटेन करें, पूरी गली को भी कंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये फॉर्मूला निकल के आया है दिल्ली से और आज प्रधानमंत्री जी देश के सारे मुख्यमंत्रियों को सलाह दे रहे हैं कि मिनी कंटेनमेंट जोन बनाइए, होम आइसोलेशन की तरफ बढ़िए। तो चुनावी राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के फ्री के वादे पर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने भी प्रतिक्रिया दी है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने चुनावी रैली के अंदर पश्चिम बंगाल में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आई तो पश्चिम बंगाल में 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देंगे। मुझे लगता है सीधा सीधा दिल्ली की और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की नकल है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया था तो भाजपा ने और भाजपा की केंद्र सरकार ने इसका पुरजोर विरोध किया था। तो मेरा ये मानना है कि अब ये बात भाजपा को माननी चाहिए कि ना सिर्फ बंगाल में बल्कि असम में, केरल में, यहाँ तक कि जो तमिलनाडु के अंदर इनका जो चुनावी मैनिफेस्टो आया है उसके अंदर दिल्ली के मॉडल से कई सारी चीज़ों की नकल की गई है, जैसे कि डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन भी यहाँ पे केंद्र सरकार ने हमें रोका है, मगर वहाँ पे अपने चुनावी मैनिफेस्टो के अंदर, घोषणा पत्र में, भारतीय जनता पार्टी ने ये वादा किया है। क्या लगता है, क्या ज़रूरत पड़ेगी? देखिए, दिल्ली के अंदर जिस तरह से सरकार ने काम किया है, लोगों के अंदर उनका विश्वास बढ़ा है, लोगों को ये चीज़ें पसंद आई हैं, इसीलिए 62 सीटें 70 में से दिल्ली के लोगों ने दी हैं। तो राजनीतिक तौर पे तो भाजपा इसका विरोध करती है, मगर अंदरूनी तौर पे दिल में जानते हैं कि लोगों को दिल्ली मॉडल पसंद आता है और वो उसको अलग अलग राज्यों में अपने नाम से रेप्लिकेट करने की कोशिश। और इस बीच उस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं जो कि उत्तर प्रदेश से आ रही है। यूपी के इटावा में डीसीएम पलटने से 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर एएनबी न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं। मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख की आर्थिक सहायता का मुख्यमंत्री के द्वारा ऐलान कर दिया गया है। डीसीएम से 100 लोग मुंडन संस्कार में जा रहे थे, उसी दौरान ये हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश के इटावा में झंडा मंदिर मोड़ पर डीसीएम सड़क किनारे खाई में जा गिरी, असंतुलित होकर डीसीएम खाई में जा गिरी। सभी श्रद्धालु पिनाहट आगरा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हादसे में
कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। दुखद बात यह है कि इस हादसे में 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए सीएम के द्वारा 2-2 लाख रुपए का ऐलान कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के इटावा से ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मृतकों के परिवार को 2 लाख की आर्थिक सहायता सीएम के द्वारा दी जाएगी। चलिए अब अपने मुद्दे का रुख कर लेते हैं। हम बात कर रहे थे मनीष सिसोदिया की प्रेस वार्ता की, जिसमें आज उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अन्य जो राज्य हैं जहां पर इस समय चुनावी बयार बह रही है, वहां पर केजरीवाल मॉडल पर काम किया जा रहा है। यानी कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने एक तरीके से आरोप लगाते हुए कहा है कि जो विजन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का है वो अब बीजेपी और कांग्रेस अपना रही है, इसलिए हर जगह फ्री का वादा किया जा रहा है। इस मसले पर चर्चा करने के लिए 2 मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से खेमचंद जी और इनके अलावा अनूप कुमार पांडे जी जो कि आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूं एएनबी न्यूज़ पर। खेमचंद जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहेंगे। सर, आज मनीष सिसोदिया ने प्रेस वार्ता की और उन्होंने ये तक कह दिया है प्रधानमंत्री को कि आप अरविंद केजरीवाल से चर्चा कीजिए कि देश में विकास कैसे करना है, देश के विकास के लिए विजन क्या होना चाहिए, उसके लिए आप अरविंद केजरीवाल को चाय पर चर्चा के लिए बुला सकते हैं। पीएम साहब तो सबके साथ चर्चा करते हैं, बार बार चर्चा करते हैं। पीएम साहब चर्चा करने के लिए किसी को मना नहीं करते, वो तो एक टीम को पूरे देश को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और वहां सीएम साहब अपना योगदान दे सकते हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि जब सीएम साहब योगदान देने की स्थिति में उनको रखा जाता है, वहां पे वो सोते हैं या वहां पे वो इस तरीके से दिखाते हैं कि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। पीछे भी जो मीटिंग हुई पीएम साहब के साथ, हम सभी ने देखा किस तरीके की उनकी पिक्चर्स आ रही हैं, या तो वो सो रहे थे या फिर उसमें अपनी बॉडी को क्रैक कर रहे थे, इधर उधर की हरकतें कर रहे थे। तो इससे पता चलता है कि वो बातचीत करने में, योगदान देने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं। रही बात दिल्ली के मॉडल की, मैं आपको दिल्ली के मॉडल की सच्चाई बताता हूँ। इन्होंने बहुत बड़ा प्रचार प्रसार किया कि दिल्ली में इन्होंने जो बसें हैं उसमें फ्री का इन्होंने टिकट किया बहनों के लिए, हाँ किया मान ली। लेकिन दिल्ली को जरूरत क्या थी? दिल्ली में आज 3000 के आसपास बसें चल रही हैं, लेकिन दिल्ली को 13 से 14 हजार बस चाहिए, अच्छी बस चाहिए। आज एसी बस में अगर लोग बैठ जाते हैं तो एसी चलता नहीं है और उसमें बाढ़ की हवा आती है, लोगों को उल्टियां होने शुरू हो जाती हैं। आप कई लोगों को संपर्क कर सकते हो, आपको बताएंगे कि एसी कम चल रहा है या तो हमें उल्टियां आने वाली होती हैं, उल्टियां आ रही होती हैं, फिर मजबूरी में उनको गेट खोलना पड़ता है या सवारी को उतारना पड़ता है। सवारी पहले 5 मिनट वेट करती थी, उनको आधा से 1 घंटा वेट करना पड़ रहा है। दूसरा, इनमें से भी जो बस चल रही है 2000 के आसपास बस जल्दी रिटायर्ड होने वाली है, इनके पास नई बस लाने का कोई प्लान नहीं है, तो बस बचेंगी कितनी? 1-1.5 हजार। तो उसमें क्या फ्री और क्या उसमें पैसे का जरूरत है? अच्छी बसें हों, अच्छी क्वालिटी की बसें हों, एसी बसें हों, सबको बस उपलब्ध हो, हर रूट पे बस उपलब्ध हो, जल्दी से जल्दी बस हो, ताकि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग कर सकें, जो प्राइवेट व्हीकल है उसको अवॉइड कर सकें। लेकिन वो नहीं करना, उनको सिर्फ प्रचार करना है। बस है नहीं, कुछ बस है उसमें थोड़ा बहुत आपने फ्री में दे दिया। ठीक है सर, चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। खेमचंद जी, थोड़ी देर के लिए आपको यहाँ पर रोक रही हूँ, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुद्दे की शुरुआत कर लेते हैं। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खेमचंद जी, आपके पास आऊंगे, लेकिन उससे पहले एक प्रतिक्रिया अनूप कुमार पांडे जी से ले लेते हैं। बताइए अनूप जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस केजरीवाल की राह पर चल रहे हैं या आपके विजन को वो आगे लेकर जा रहे हैं? देखिए, आजादी के 70 साल हो गए और लोगों को शिक्षा और चिकित्सा से भी महरूम रखा गया। जो अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति है, जो आम आदमी पार्टी की राजनीति है, जनता से सरोकार है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर करीब 7 सालों से है, 6-7 साल। ये पार्टी आई थी, कह रही थी कि महंगाई हम घटा देंगे, 2 करोड़ बच्चों को रोजगार दे देंगे, और इन्होंने तमाम ऐसे अच्छे वादे किए, हर खाते में 15 लाख आ जाएंगे और हम ये कर देंगे, हम देश को सुखी बना देंगे, सोने की चिड़िया बना देंगे, पेट्रोल बड़ा महंगा है, बच्चे बेरोजगार हैं, पाकिस्तान आंखें दिखा रहा है, तमाम मुद्दे थे। लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को शर्म भी नहीं आती, इनके प्रवक्ताओं को टीवी चैनल पर बैठ के
कैसी कैसी बातें करते हैं, पेट्रोल पे बात करो ना, महंगाई पे बात करो ना। नहीं, अभी वो मैंने मुद्दा नहीं रखा ना सर, महंगाई का मुद्दा मैंने नहीं रखा। मैंने मुद्दा ये रखा कि फ्री, एक सेकंड सर, अगर मुफ्त में कोई कुछ देना चाह रहा है तो वो आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये केजरीवाल का थॉट है? नहीं नहीं, मुफ्त में देने की बात ही नहीं है, ये हक है लोगों का। एक सांसद का, एक केंद्रीय मंत्री का, एक विधायक का, इन लोगों को जो पैसा सरकार देती है, अगर इन लोगों का एक साल का जोड़ लीजिए, पूर्व विधायक को भी पेंशन मिलता है, पूर्व सांसद को भी पेंशन मिलता है, पूर्व केंद्रीय मंत्री को भी मिलता है, एक आदमी चार बार विधायक है तो चार पेंशन पाता है, करोड़ों रुपया इनको मिलेगा, तो ये मुफ्त में नहीं होगा। और जनता को, जो विकासशील देश की जनता है, जहाँ गरीबी है, अशिक्षा है, स्वास्थ्य के सुधार के पैसे नहीं है, बच्चों के पढ़ाने के पैसे नहीं है, आंख से आंसू गिर जाता है। इस कोरोना काल में फिर इन लोगों ने बंदी किया, और इसके बाद कोरोना बंगाल में नहीं था, तो केजरीवाल जी का मॉडल को क्यों नहीं अपनाएंगे? केजरीवाल जी का मॉडल तो पूरे देश में फैल रहा। मैं उत्तर प्रदेश में बैठा हूँ और यहाँ पे दौड़ा कर रहा हूँ, जिला पंचायत के प्रत्याशी जीत रहे हैं, खाली केजरीवाल मॉडल की पूछ हो रही है। जो रोटी, शिक्षा, मकान, स्वास्थ्य, चिकित्सा की बात न करके झूठ बोलेगा तो केजरीवाल जी के मॉडल को अपनाना ही पड़ेगा। गुजरात मॉडल देश में लोग लेके आए थे, गुजरात मॉडल एक चला था, आज से 6 साल पहले इसका इतना प्रचार था, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, तो भारत की जनता ने गुजरात मॉडल को देखा। गुजरात मॉडल में लोग भीख मांग रहे हैं, गुजरात मॉडल में कोरोना आ जा रहा है, कभी कोरोना भाग जा रहा है, गुजरात मॉडल में बच्चे जो है बेरोजगार अपना रोजगार की सड़क पे आते हैं, मांग करते हैं तो लाठी डंडों से पिटवा दिया जाता है। योगी जी यहाँ बैठे हैं उत्तर प्रदेश में, अगर आंगनबाड़ी की महिलाएं उनसे अपनी मांग करती हैं, उनको लाठी डंडे से पीट दिया जाता है। गुजरात मॉडल में क्या होता है कि पेट्रोल डीजल महंगा हो जाता है, ट्रेनों का किराया डबल हो जाता है। गुजरात मॉडल में कोई इनके खिलाफ बात सर, केजरीवाल मॉडल पर आ जाइए, गुजरात मॉडल पर मुझे बात ही नहीं करनी है सर, हो गया ना गुजरात मॉडल तो अब गया। तो केजरीवाल जी का मॉडल को पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने भी अपनाया, कहा कि नहीं भाई, कम से कम हमारी महिलाओं को फ्री यात्रा होनी चाहिए, उनको जो है नौकरी करने जाना पड़ता है, कितनी तनख्वाह मिलती है। इस महंगाई के युग में दिल्ली के अंदर जो लोग बैठे हैं, कम से कम बिजली, पानी, दवाई, पढ़ाई, आज लोग परेशान हैं बच्चों को फीस जमा करने के लिए। लेकिन वही खराब स्कूल जो सरकारी था, जिसमें मकड़ी के जाले पड़े थे, केजरीवाल जी ने एक एक जाला साफ करके एक सुंदर स्कूल बना के दिल्ली की जनता को दिया। तो किसको अच्छा नहीं लगेगा, ये तो सबको अच्छा लगेगा कि इस महंगाई के युग में कम से कम देश के अंदर आशा के किरण केजरीवाल जी, और केजरीवाल मॉडल ही इस देश को बचा सकता है, बाकी किसी के पास नहीं है। लोग कितना टीवी में प्रचार करा लें, अखबारों में भी विज्ञापन छपा लें, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, बताइए खेमचंद जी। ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेते हैं खेमचंद जी से। और कुछ होने वाला नहीं है जब तक आप केजरीवाल विजन नहीं अपनाएंगे, आप फेल रहेंगे। देखो, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, अगर ये अपनी बात को केजरीवाल जी तक पहुंचा देंगे तो दिल्ली वालों का बहुत बड़ा लाभ होगा कि प्रचार से कुछ होने वाला नहीं। 500 करोड़ से ज्यादा का बजट आम आदमी पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ प्रचार के लिए लगा रखा है। उस 500 करोड़ में दिल्ली वालों के लिए बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जो होना चाहिए। अब मैं केजरीवाल मॉडल की पोल खोलता हूँ, वो पानी पे बात करते हैं। आज 6 साल पहले जो पानी की उपलब्धता पर पर्सन दिल्ली में होती थी, उससे ड्रास्टिकली कम हुई है, पानी की क्वालिटी कम हुई है। एक भी नई कॉलोनी में पानी की नई पाइपलाइन नहीं बिछाई गई है, और केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं पानी की अच्छी व्यवस्था कर रहा हूँ। आज भी 30% से ज्यादा दिल्ली टैंकर पे निर्भर है, और टैंकर में जो माफिया है वो इनके हैं। और मैं जो DTC की बात कर रहा था, DTC में 13 से 14 हज़ार बस चाहिए, 3700 बस चला रहे हो, उसमें से 2000 रिटायर होने वाली हैं, आप कहाँ फ्री प्रोवाइड कर रहे हो? और उसमें आपने अपने कार्यकर्ताओं को ड्राइवर और कंडक्टर रख लिया है, वो लोगों के साथ मारपीट करते हैं, अभद्रता करते हैं, गाली गलौज करते हैं। कल परसों केस हुआ, उन्होंने एक टेम्पो को मारा है, वहाँ पे व्यक्ति की जान चली गई, क्योंकि उनको डर भय नहीं है, उनको लगता है कि हमें तो MLA की रिकमेंडेशन पे रखा गया है, CM की रिकमेंडेशन पे रखा गया है, आम आदमी पार्टी के नेताओं के रिकमेंडेशन पे रखा गया है, तो हम तो खुल के अराजकता फैलाएंगे। अब तीसरी बात आ जाती है शिक्षा में। शिक्षा में हमने सबने देखा किस तरीके से आपके अधिकारियों को स्कूल में जाके कहना पड़ रहा है, कुछ भी लिख दो, क्वेश्चन पेपर कोई 2-3 बार लिख दो, हम आपको नंबर दे देंगे। क्या स्थिति है वहाँ पे, कितना वहाँ पे 9वीं में ड्रॉप आउट है, और स्कूल आपने कोई नया बनाया नहीं,
आपने बोला था 500 नए स्कूल बनाएंगे, भैया 5 भी नए स्कूल नहीं बनाए। आपने बोला था आप 20 से ज्यादा नए कॉलेजेस बनाएंगे, एक कॉलेज नहीं बना। अभी आचार्य ने ये भी बताया पिछले 6 साल में आपने कोई भी नया ब्रिज नहीं बनाया, कोई भी नया अस्पताल नहीं बनाया। आपने किया क्या है? आपका सरकार का जिम्मेदारी होता है कि वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करे ताकि जो उसकी जनता अगले 20-25-30 साल तक उन चीजों का लाभ प्राप्त कर सके। आप एक चीज नहीं गिना सकते उस चीज को दिल्ली की जनता अगले 20-25-30 साल तक उपयोग में ला सकती है। रही बात, अब आप कहते हैं केजरीवाल मॉडल सुशासन का मॉडल है, केजरीवाल मॉडल आपका बहुत ही विकास का मॉडल है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ, बिजली की बात हो गई, पानी की हो गई, ट्रांसपोर्ट की हो गई। केजरीवाल जी किसानों के विषय में दूसरे राज्यों में जाके बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उन्होंने कई जगह मंचों से बोला कि मैं दिल्ली में एमएसपी भी दूंगा दिल्ली के किसानों को, प्लस 50% एक्स्ट्रा पेमेंट करूंगा। लेकिन दिल्ली में 3 साल से सर्वे नहीं हो रहा खेतों का, और सर्वे ना होने की वजह से दिल्ली में एमएसपी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। और दिल्ली में केजरीवाल जी ने किसानों को किसानी का दर्जा नहीं दे रखा। किसान जो एमएसपी 1975 रुपए है, आप यूपी में बैठे तो आपको पता होगा, उसकी जगह 1600-1700 रुपए में खुली मंडियों में वो अपना अनाज बेच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जाके केंद्र में पीयूष गोयल जी से रिक्वेस्ट किया, पीयूष गोयल जी ने एफसीआई को निर्देश दिया आप तुरंत दिल्ली में एमएसपी पे खरीदारी करें। लेकिन टेक्निकल विषय ये आता है कि सर्वे इन्होंने किया नहीं, अब इनको कंपलसरी वेरिफिकेशन करना पड़ता है कि जो फसल लेके आया है वो दिल्ली का ही किसान है, वो फसल दिल्ली से ही आई है। वो वेरिफिकेशन भी दुखद रूप से इन लोगों ने एक दिन चलाया 6 अप्रैल को, उसके बाद बंद कर दिया, क्योंकि इनको नाटक नौटंकी करनी थी। एमएसपी तक नहीं दे रहे हैं, जो एक्स्ट्रा इनको 900 रुपए देना चाहिए था वो तो इनके वायदे के अनुसार दिल्ली में किसान को गेहूं का रेट बता रहे हैं उसके बावजूद भी भारी बहुमतों से कैसे जीत गई आम आदमी पार्टी? अगर वाकई में आपके इन दावों में इतना दम है तो एक बार फिर से किस तरीके से सत्ता में आ गई आम आदमी पार्टी और आपको किस तरीके से हार का मुंह देखना पड़ा? अभी हाल ही में एमसीडी के चुनाव हुए, उसमें आपका क्या हश्र हुआ? मैडम एमसीडी के चुनाव में 4 सीटें इन्हीं की थी, 1 सीट हमारी थी और उस पे हम जो हारे उसके भी बहुत सारे कारण है। 1.5 साल पहले हमारे कैंडिडेट वहाँ पे गुजर गए, एमएलए ने वहाँ पे क्या किया, वहाँ पे सीएम ने क्या किया। ठीक है, एक कमेंट ले लें दीजिए मुझे अनूप जी से, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए अनूप जी, एक सेकंड की हम जी अनूप जी से कमेंट ले दीजिए, बताइए अनूप जी। एमसीडी का पूरा इलेक्शन हम जीते, केजरीवाल जी कल। ठीक है सर, ठीक है अनूप जी, बनाए केजरीवाल जी सुन लीजिए, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। अरे भाई साहब, आपकी विदाई हो रही है, अभी तो दिल्ली से विदाई हुई है, पूरे देश से विदाई होने जा रही है। देखिए जनता बहुत परेशान, आपकी तो जमानत छोटा मेरे भैया, छोटा यूपी वाले तो आपको कभी भी टोपी नहीं पहनाने देंगे। सुनिए भैया, सुनिए सुनिए, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पूरी देश के अंदर अटक से कटक तक, काश्मीर से कन्याकुमारी तक, केजरीवाल जी को लोग उगता हुआ सूरज के रूप में देखते हैं। लोग परेशान हैं आपको वोट देकर के। मैं एक वंदना मिश्रा जी हैं, उनके घर गया था उनसे मिलने के। मैं उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के। सर थोड़ा जल्दी रखिए अपनी बात, समय की भी कमी है हमारे पास, बताइए। वो अपना स्कूल बेच रही है, यहाँ पे कह रही है कि मेरे पास पैसे नहीं है, कोरोना के नाम पे मेरे स्कूल को बंद करा दिया गया है, लोन लेके मैं स्कूल चला हूँ। हिंदू वाहिनी की अध्यक्ष है वो इस्तीफा दे रही है और आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने जा रही है। उत्तर प्रदेश के जितने स्कूल चल रहे हैं बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के पढ़ाई के, जो गवर्नमेंट के, उसमें शराब की बोतलें मिली हैं। मैं कई जगह जांच किया हूँ। मनीष सिसोदिया उत्तर प्रदेश में आके इनका योगी मॉडल देखने आए थे, मनीष सिसोदिया जी को देखने नहीं दिया गया। अरे कम से कम हमने जाला हटा के स्कूल तो अच्छा बनाया, हमने मोहल्ला क्लिनिक की प्रेरणा तो ली, हमने तो लोगों को झूठ तो नहीं बोला कि जब सत्ता में नहीं थे तो हल्ला मचाते थे कि महंगाई है, और आज हमारे मुंह पे दही जम गया, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि केजरीवाल मॉडल से ही केजरीवाल
जी के विचारों से। ठीक है अनूप जी, अब देखना रहेगा कि ये केजरीवाल का मॉडल पूरे देश में चल पाएगा या नहीं, और जिस विजन को आप आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें आपको कितनी सफलता प्राप्त होती है। समय की कमी है सर, इसलिए मैं रोक रही हूँ। शुक्रिया करना चाहूंगी दोनों ही मेहमानों का तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल का मॉडल आगे ले जाया जा रहा है और मनीष सिसोदिया ने इसके लिए कवायद भी शुरू कर दिया है। साफ है कि अब आम आदमी पार्टी देश की राजनीति में उतरना चाहती है और उसके लिए कवायद अब तेज हो गई है। देखने वाली बात रहेगी कि इस विजन को आम आदमी पार्टी कब तक और कितना आगे ले जा पाती है। इसी के साथ राष्ट्रधर्म में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।